क्यों भाई, क्या लग रहा था कि सिर्फ S1 Pro Gen 2 में आग लग सकती है? और दूर से क्या लग रहा है आपको, S1 Pro Gen 2 है या पुरानी S1 है? तो यार इसका टायर एक बार देख लो, ये है अपनी S1 Air जो कि आती है अपनी BLDC मोटर के साथ। आप लोग वीडियो पॉज करके इसका टायर एक बार ज़रूर देखना, इसमें स्टील रिम लगाए गए। तो एक कॉन्सेप्ट यही है कि ये जब BLDC मोटर के साथ आग लग सकती है, तो जो भी बदनाम हो रहे हैं ना S1 Pro Gen 2 पुरानी S1, और लोग बड़े शान से ले रहे कि BLDC मोटर लेने का फ़ायदा यही है, इसमें आग लग ही नहीं सकती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बैटरी में, मोटर में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, मेनली बैटरी में ही, तो आपकी गाड़ी S1X की वेरिएंट ही क्यों ना हो, क्योंकि सेम मोटर का सेटअप उसमें भी दिया गया है। और EV है तो आखिर आग कभी ना कभी किसी ना किसी पे लग जाती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि गर्मी आ गई है और अभी एक महीना और जून में आपको अपनी गाड़ी को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि जितने भी केसेस आ रहे हैं ना, सब मई के आ रहे हैं, अभी के आ रहे हैं, फिलहाल के आ रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल पहले से गर्मी थोड़ी कम है, बट ये वीडियो आपके लाइफ टाइम काम आएगी। और यार ज़रूरी नहीं कि गर्मी से आपकी गाड़ी में आग लगे, आपकी गलती से भी लग सकती है। तो जितना भी मैं लेटेस्ट आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ का प्रिकॉशन लेना है, तो ये मोटर का सेटअप तो आपका S1X Plus में भी आने वाला है और सेम सेटअप S1X की वेरिएंट में भी आने वाला है। तो सावधानी सब में बरतनी पड़ेगी, चाहे ओला की स्कूटी हो या कोई अलग EV कंपनी हो। सबसे पहली बात, कंटिन्यू EV को बिल्कुल भी मत चलाओ। अगर 40 किलोमीटर का टूर कर रहे हो, 40 किलोमीटर जाना है, 40 किलोमीटर आना है ना, तो 20 किलोमीटर में चाय पानी के लिए ब्रेक लो, गाड़ी को भी कम से कम 15-20 मिनट ब्रेक दो, उसके बाद फिर वापस के 20 किलोमीटर कंटिन्यू करो। गर्मी में या दोपहर में, चाहे आप कोई भी महीने में चल रहे हो, नवंबर दिसंबर जनवरी की तो बात अलग होती है, उसमें चल जाते हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी मंथ में चल रहे हो, अगर लग रहा है कि हीट है बाहर में, तो स्पोर्ट मोड एक्टिवेट मत करना। भले ही कोई जगह पे आप आधे घंटे एक घंटे लेट चले जाना, बट स्पोर्ट मोड में गाड़ी मत चलाना, क्योंकि बैटरी स्पीड टॉर्क ज़्यादा जनरेट करती है, जिसकी वजह से आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मल मोड में चलाना, 40, 50, 60, इन्हीं तीनों स्पीड के बीच में, ठीक है। तीसरा सबसे मेजर रीज़न है, आप लोग गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराते हो। आप बोलोगे कि ओला की सर्विस की कोई फैसिलिटी नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने गाड़ी की केयर करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर इसको मंथली में 2 बार तो वॉश करना पड़ेगा, 1 बार डीप वॉश करना पड़ेगा, और घर में खुद से करना, बाहर प्रेशर वॉश मत कर देना। वॉश के ऊपर चैनल पर वीडियो, एक बार वहाँ जाकर आप चेक जरूर करना, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको हर 3 महीने में ओला के शोरूम में अपनी गाड़ी लेके चले जाना है। ओला वाले ये बोलते हैं कि सर्विस तो नहीं करते, बट कोई दिक्कत हो तो ले आना, बट दिक्कत नहीं भी लगे ना, तो एक बार उनको बोल देना, गाड़ी को चेक करके बता दो कुछ वायर तो ढीला नहीं है या सब कुछ ठीक तो है। और आपको अगर कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है, तो लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, तुरंत इसको ओला के एक्सपीरियंस सेंटर या सर्विस सेंटर लेके जाना। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रीज़न होता है ना, मेजर रीज़न, ओवर चार्ज होना गाड़ी का। सपोज़ आपकी गाड़ी 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है 0 to 100, तो आपको 0 से 100 करना ही क्यों है, आपके बैटरी परसेंटेज 30-40 रहे तब आप चार्ज लगाओ, और 80 और 90 तक का निकाल दो। फुल चार्ज कभी भी मत करो, और लॉन्ग टाइम चार्ज मत करो कि हम 10% से लगा के दोपहर में छोड़ दिए। और जो कंप्रेसिव एरिया होता है, जैसे घर में, ऐसे जगह पे चार्ज मत लगाना, थोड़े खुले एरिया, पैकी एरिया में मत लगाना, हवे वाले एरिया में लगाने की कोशिश करना। और अगर पैकी एरिया, तो रात के टाइम लगाना, और दूसरा बार शॉर्ट टाइम के लगाना, भले दिन में 2 बार चार्ज करो, बट कंटिन्यू फुल चार्ज मत करो। और ओवर चार्ज का मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी 100% हो गई और आप यहाँ घर में बैठ के आराम कर रहे हो, TV देख रहे हो, और आपको पता भी नहीं है कि यार गाड़ी चार्ज हो गई, आप लगे रहने दियो, ये छोड़ना वो तो अपना फ़ैन ऑफ हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, फ़ैन वापस चालू हो जाता है, और ओवर चार्ज होने से सेल इसकी फूलने लगेगी, जिससे बाद में क्या होगा, अभी तो पता नहीं चलेगा घर में, बट आप चलाओगे तो गाड़ी फट जाएगी। जैसे हमारे पुराने मोबाइल के साथ नहीं होता था कि बैटरी फूल जाती थी और बाद में कभी धुआं निकलता था फिर फट जाता था, सेम कंडीशन यहाँ पे बैटरी के साथ भी है, लिथियम आयन बैटरी है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और अपने जितने रिश्तेदारों जिनसे आप कनेक्ट हो, उसको ये वीडियो शेयर कर दो और बताओ कि क्या क्या गलती नहीं करनी है। प्रेशर वॉश से बचना है, धूप में ज़्यादा नहीं चलाना, और चार्जिंग इशू को देखना है।